अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट्स डॉट कॉम प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड लेक्चर्स आज जो एक्सरसाइज़ हमने शुरू करनी है वो है एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज़ नंबर सेवन पॉइंट वन चैप्टर सेवन जो है वो लीनियर इक्वेशंस के बारे में है लीनियर इक्वेशंस इक्वेशंस के हमने सोलूशन इस चैप्टर में हमने करने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर है वन क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है सॉल्व करके आंसर्स निकालने हैं कि इनको किस तरह से एक्स की वैल्यू हमने निकालनी सोल्यूशन का मतलब यही होता है उसमें जो भी वेरिएबल हमें दिया हुआ है उसका हमने सोलूशन निकालना होगा किस तरह से निकालना है हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टू ओवर थ्री एक्स माइनस वन ओवर टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर सिक्स करना हमने ये होता है अब इक्वेशन इक्वल के दोनों तरफ इक्वेशंस बन रही हैं तो हमने करना ये है कि यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले, ले लेते हैं फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर में जो भी चीज हमें गिवन है और यहां पर भी हमें जो भी चीज़ हमें फ्रैक्शन में मौजूद है हमारे पास डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं टू और थ्री का हमने एलसीएम लिया जो कि सिक्स होगा एलसीएम मैं फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ बता देती हूँ कि एलसीएम किस तरह से लिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम आपने खुद से लेना है थ्री और टू है हमने एलसीएम इकट्ठे इन दोनों को रखना है थ्री नहीं जाता टू के टेबल में टू वन जर टू थ्री वन जार वैसे पिछले चैप्टर में एलसीएम लेने के बारे में अच्छी तरह बताया गया है तो ये हो जाएगा ये जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स आए हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ गया सिक्स अब हमने क्या करना है सिक्स को एलसीएम लेकर हमने यहाँ पर इसके दो मेथड्स हैं या तो हम इसके एलसीएम को यहाँ इन सारे पूरे के पूरे फ्रैक्शन से राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी इसको मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसका ये तरीका है कि हम इस, इस इसका अलीहदा से एल्सियम लेकर सॉल्व कर, कर दें इसका अलहदा से एल्सियम लेकर सॉल्व कर, कर दें तो हम उस तरीके से भी कर देंगे और इसको भी कर लेते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे जाके कर लेंगे एक दो क्वेश्चंस इस मेथड से कर लेते हैं कि हम लोग इसका अलहदा से एल्सियम लेंगे और यहां पर अलहदा से एल्सियम लेंगे तो यहां पर थ्री और टू का एल्सियम हमने लिया जो कि आ गया सिक्स आपको पता है पहले भी मैंने बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर और एलसीएम आपस में डिवाइड होते हैं थ्री और सिक्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो थ्री टू जार सिक्स आएगा जो भी आंसर आता है उसको हमने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर हमारा टू है इन दोनों को डिवाइड किया वो भी टू आया टू इंटू टू एक्स माइनस वन ये है टू और सिक्स को जब डिवाइड करेंगे टू थ्री जार सिक्स तो जो भी डिनोमिनेटर और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके चीज आई वो है थ्री एक्स एक्स ये वाला है ठीक है ये हो जाएगा इसी तरह से सिक्स और वन का एल्सियम हमने इसी तरीके से निकालना है जो कि आ जाएगा सिक्स ये एक्स जो है ये मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर और एल्सियम डिवाइड होंगे जो कि डिवाइड होने के बाद सिक्स आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा वन ये एल्सी डिनोमिनेटर और ये एल्सियम इन दोनों को डिवाइड करेंगे सिक्स और सिक्स को डिवाइड किया तो वन आया तो इट्स मीन कि ये जो न्यू न्यूमिनेटर है इसको हमने वन से मल्टीप्लाई करना है ये हो जाएगा टू टू जर फोर एक्स माइनस थ्री वन जर थ्री एक्स ओवर सिक्स माइनस इज इक्वल टू सिक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस वन वन जर वन ओवर सिक्स अब यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है अब हमने क्या करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा वैसे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो वो आपस में कैंसिल आउट भी हो जाते हैं तो हम यहाँ से सिक्स को उधर लेकर जाते हैं सिक्स इंटू फोर एक्स माइनस थ्री एक्स ज इक्वल टू ये सिक्स भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस वन ये हो जाएगा सिक्स फोर हजार ट्वेंटी फोर सिक्स फोर हजार ट्वेंटी फोर या ये सिक्स जो है इससे सिक्स से लेफ्ट और राइट right साइड पे दोनों सिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देते हैं जब राइट right और लेफ्ट साइड पे सेम नंबर हो या वो दोनों की आपस में कैंसिलेशन हो सके तो हम कर सकते होते हैं तो ये सिक्स इस सिक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास बचेगा फोर एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्व टू सिक्स एक्स प्लस वन फोर एक्स में से थ्री एक्स माइनस होंगे तो ये हो जाएगा ओनली एक्स इज इक्वस टू सिक्स एक्स प्लस वन अब हमारे पास हमें सिक्स हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ये बड़े वाला वेरिएबल है हम बड़े वेरिएबल को यहीं रहने देते हैं ये एक्स इधर आकर माइनस हो जाएगा और इस वन को हम जब दूसरी तरफ लेकर आएंगे ये हो जाएगा माइनस वन सिक्स एक्स में से हमारा वन एक्स माइनस होगा जो कि हो जाएगा फाइव एक्स इज टू माइनस वन तो हमारा अब यहाँ पे फाइव एक्स में पूरे का पूरा फ्रैक्शन जो है वो पूरा का पूरा जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी जगह बदल रही हूँ यहाँ वाली चीज़ को इधर और इधर वाली को उधर लेकर जा रही हूँ उसकी वजह यह है कि हम अपने वेरिएबल को लेफ्ट साइड पर ले आते हैं फाइव एक्स इज इक्व टू माइनस वन जब जगह बदलते हैं राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट लेकर आते हैं कोई साइन बदलने की जरूरत नहीं होती उसकी वजह यह है कि क्योंकि पूरे का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ और उधर का इधर आ रहा होता है यहाँ पर हो जाएगा एक्स इजिकल टू माइनस वन ओवर फाइव आंसर तो हमारा जो सोलूशन सेट है उसको हमने लिखना है इस ब्रैकेट में वन ओवर फाइव हमारा सोलूशन सेट एस एस इज इक्वल टू ये एस सोलूशन सेट के लिए एस एस ये हमने कर लिया यहां पर अपना फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर वन का अब हम इसी से रिलेटेड इसका क्वेश्चन नंबर टू वन का सेकेंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड पार्ट हमें गिवन है एक्स माइनस थ्री ओवर थ्री माइनस एक्स माइनस टू ओवर टू इज इक्व टू माइनस वन इस क्वेश्चन में अब हम दूसरे मेथड से करते हैं वो भी मेथड मैं आपको बता देती हूँ टू और थ्री का और यहाँ इसके नीचे क्योंकि सिर्फ वन है अगर कोई और नंबर होता तो हम नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का सब का एल्सियम लेकर इस पूरे फ्रैक्शन से इस पूरे फ्रैक्शन से और इस यहाँ पे जो भी चीज़ होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे टू और थ्री का एल्सियम हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया था यहाँ पर भी हम ले लेते हैं तो टू और थ्री का एल्सियम होगा सिक्स सिक्स को हमने इस इस पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया किस तरह से सिक्स इंटू एक्स माइनस थ्री ओवर थ्री माइनस जो एलसीएम आया है वही सिक्स हम हमारे अगले एक्सप्रेशन से भी मल्टीप्लाई होगा इज इक्व टू सिक्स इंटू माइनस वन अब राइट साइड पर है ही सिर्फ माइनस वन तो हमने माइनस वन से भी एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया थ्री टू जर सिक्स टू थ्री जार सिक्स अब ये जो टू है ये इस पूरे एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा और ये जो थ्री है ये पूरे एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा टू वन जार टू एक्स माइनस टू थ्री जार सिक्स माइनस थ्री वन जार थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री टू जार सिक्स इज इक्व टू सिक्स सिक्स माइन वन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस सिक्स आ जाएगा अब इस टू एक्स में से माइनस थ्री एक्स माइनस होगा तो आप पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और इजिक्वस टू माइनस सिक्स यहाँ का माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा एक्स इजिक्वस टू सिक्स आ जाएगा मीन हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है वो हमने इस ब्रैकेट में लिखना है जो कि आया है सिर्फ सिक्स ये हमने इसका सेकेंड पार्ट भी कर दिया जो कि बहुत ही ईजी था अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ थर्ड पार्ट हमें गिवन है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट भी है थर्ड पार्ट हमें गिवन है वन ओवर टू एक्स माइनस वन ओवर सिक्स प्लस टू बाई थ्री इज़ इजिक्वस टू फाइव ओवर सिक्स प्लस वन ओवर थ्री इंटू वन ओवर टू माइनस थ्री एक्स वन ओवर टू माइनस थ्री एक्स अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमने यहां पे क्या करना है कि पहले तो हमारा ये जो बाहर चीज हमें जो भी गिवन है इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा तो ये जब हमारा या हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले ये जो अंदर हमारे पास अल्जेबरिक फ्रैक्शंस दिए हैं पहले इन ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व कर लेते हैं जो कि रूल भी है वन ओवर टू यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है वन और सिक्स का एल्सीयम आ जाएगा सिक्स तो यहां पर यह क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर और एल्सियम आपस में डिवाइड होकर सिक्स होंगे जो कि सिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस ये डिनोमिनेटर और एल्सीयम मल्टीप्लाई होगा जो डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा वन सिक्स वन जार वन वो वन और ये वन मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा वन वन जार वन प्लस टू ओवर थ्री इज इक्वल टू फाइव ओवर सिक्स प्लस वन ओवर थ्री यहां पर भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है टू और वन का एलसीएम टू होगा तो ये टू और टू डिवाइड होकर वन होगा जो कि इस वन से मल्टीप्लाई होगा वन वन जार वन हो जाएगा माइनस यहाँ पे वन टू से डिवाइड होगा तो टू आएगा टू थ्री जार सिक्स एक्स ये हो जाएगा हमारा वन ओवर टू जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वन ओवर थ्री जो है इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर तो वन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा सिक्स एक्स माइनस वन ओवर टू सिक्स आर ट्वेल्व प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स प्लस ये वन माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर वन माइनस सिक्स एक्स ही रहेगा थ्री टू जार सिक्स अब हमने यहाँ पे नीचे के जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए हुए उन सब का हम इकट्ठे एलसीएम ले लेते हैं ट्वेल्व थ्री सिक्स और सिक्स का एलसीएम आ जाएगा सिक्स ट्वेल्व मैंने पहले भी आपको एलसीएम लेने का तरीका बताया है एलसीएम जो है हमने सारे नंबर्स को इकट्ठे लिखना है और उसका एलसीएम ले लेना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट वन में एलसीएम लिया था जो कि ट्वेल्व आएगा उस एलसीएम से हमने इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन को इसको और इसको इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएगा ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय सिक्स एक्स माइनस वन ओवर ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय टू बाय थ्री क्या क्या चीजें में उसमें आउट हो, हो जाएगा थ्री फोर जार ट्वेल्व हो जाएगा सिक्स टू जार ट्वेल्व हो जाएगा सिक्स टू जार ट्वेल्व हो जाएगा अब हमारे पास यहां पर कुछ नहीं बचा था वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स एक्स माइनस वन उसके बाद प्लस यहां पर बचा है फोर टू जार एट इज इक्वल टू टू फाइव जार टेन प्लस ये टू जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा टू वन माइनस सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा अब हम क्या करते हैं इसको सिक्स एक्स माइनस वन वन से मल्टीप्लाई होके यही रहेगा प्लस एट इज इक्वल टू टेन प्लस ये टू अंदर मल्टीप्लाई होगा टू वन जार टू प्लस माइनस माइनस टू सिक्स जैर ट्वेल्व एक्स अब हमने एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठे कर लेना है सिक्स एक्स ये एट में से वन माइनस होंगे तो प्लस सेवन इज इक्वल टू टेन और टू हो जाएंगे ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व एक्स हम x एकस के एक्सप्रेशन को सारे x वेरिएबल्स जहाँ वो इकट्ठे कर लेते हैं इक्वेशन के उस तरफ से जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आएंगे तो वो साइन भी चेंज होगा ट्वेल्व ये सेवन यहाँ प्लस हो रहा है दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा सिक्स और ट्वेल्व को हमने प्लस किया तो वो हो जाएगा एटीन एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व में सेवन माइनस होंगे तो हो जाएगा हमारे पास फाइव एक्स इज इक्व टू एटीन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है वो आया है फाइव ओवर ट्वेल्व तो हम इसका सोलूशन सेट इज इक्व टू फाइव ओवर ट्वेल्व एटीन को इस तरह से लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा ये हमने थर्ड पार्ट किया है इसका फोर्थ पार्ट अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट हमें गिवन है x प्लस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस टू ओवर थ्री माइनस सिक्स एक्स यहाँ पे ये ब्रैकेट है जो भी ब्रैकेट हमें दी हुई होती है सबसे पहले हमने ब्रैकेट का सोलूशन निकालना होता है तो हम इसको आ, ब्रैकेट को करते हैं ब्रैकेट के अंदर हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन है तो हम क्या करेंगे वन और थ्री कैल्शियम ले लेंगे x प्लस वन ओवर थ्री इज इक्व टू टू इन टू वन और थ्री कैल्शियम लिया थ्री वन और थ्री डिवाइड होंगे तो आ जाएगा थ्री जो कि x के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री और थ्री डिवाइड होकर वन हो जाएगा वन टू जार टू माइनस सिक्स एक्स ये हो जाएगा हमारे पास आ, इस टू को हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और एक्स प्लस वन ओवर थ्री इज़ इक्वल टू टू थ्रीज़ आर सिक्स एक्स माइनस टू टूज़ आर फोर ओवर थ्री माइनस सिक्स एक्स अब हम देख रहे हैं हम आपस कितने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बन रहे हैं वन टू थ्री फोर इन दोनों को हम इकट्ठे नहीं लेंगे ये सेपरेट हैं जो भी एलसीएम होगा वो इससे अलहदा से इसको अलग इसको अलग और इसको अलग मल्टीप्लाई होगा थ्री और थ्री का एलसीएम आएगा थ्री उस थ्री को हम इन सब के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री क्रॉस एक्स हो जाएगा प्लस थ्री क्रॉस वन ओवर थ्री हो जाएगा इसिकल थ्री क्रॉस सिक्स एक्स माइनस फोर एक एक्सप्रेशन है माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स एक्स थ्री और एक्स मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा थ्री एक्स ये थ्री थ्री से कैंसिल आउट होकर हमारे पास सिर्फ वन रह जाएगा इसी तो ये इसी जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा थ्री सिक्स हजार एट ये थ्री जो है थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सिर्फ सिक्स एक्स माइनस फोर बचेगा माइनस थ्री सिक्स हजार एटीन एक्स यहां पर अब हम देखते हैं हम एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उस, उससे पहले हम जो है ये एक्स वाली टर्म्स का हम जो है वेरिएबल्स का सोल्यूशन निकाल लेते हैं सिक्स में से एटीन माइनस होगा तो माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर अब यहां पर हमने क्या करना है 3x, ये 12 उस तरफ से इधर माइनस वन हो जाएगा थ्री तो और ट्वेल्व हमारे पास आ जाएगा फिफ्टीन एक्स इजिक्वल टू माइनस फाइव एक्स हमारा यहीं पर रहेगा माइनस फाइव ये फिफ्टी दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा फाइव वन जार फाइव फाइव थ्री जार फिफ्टीन एक्स इज इक्वस टू माइनस वन बाई थ्री सो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास वो होगा एस एस इज इक्वस टू ब्रैकेट में माइनस वन बाई थ्री आंसर इन क्वेश्चंस को हमने चेक नहीं करना क्योंकि इसमें चेक करने के लिए नहीं कहा गया लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर टू हमें गिवन है उसमें हमने आंसर्स को चेक भी करना होगा कि हमारा जो भी हम सॉल्यूशन सेट निकाल रहे हैं उसको हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा सही आ रहा है या नहीं माइनस वन बाय थ्री ये हमारा फोर्थ पार्ट था अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट जो है वो इसी मेथड पर है मैं आपको बुक देख कर तो आपको बता देती हूँ यहां पर हम देख रहे हैं कि फिफ्थ पार्ट हमारा है फिफ्थ पार्ट में हमने यहां सिक्स है यहाँ इसके नीचे वन है इसके नीचे भी वन है तो सिक्स और नाइन का एल्शियम लेके ये अलहदा एक्सप्रेशन है ये अलहदा एक्सप्रेशन है इसके साथ अलीहदा से और इसके साथ से 6 और नाइन का जो भी एल्सियम होगा उस सब से मल्टीप्लाई होने के बाद हमने उसका सोल्यूशन सेट एक्स की चीजें लैदा कर लेनी है और जो वेरिएबल्स हैं उनको लैदा कर लेना है कॉन्स्टेंट साहैदा करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे ये सेम मेथड पर है इसलिए फिफ्थ पार्ट में नहीं कर रही सिक्स पार्ट में कर रही हूँ जो कि थोड़ा सा अब अगले क्वेश्चन सारे तकरीबन डिफरेंट हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर हमारा पार्ट हमें गिवन है फिफ्थ सिक्स पार्ट हमें गिवन है हम लिख लेते हैं एक्स ओवर थ्री एक्स माइनस वन माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू माइनस टू एक्स ओवर एक्स माइनस टू ये जो हमारे पास यहाँ पिछले जो हम क्वेश्चंस करते रहे हैं वहाँ पर एलसीएम लेना इसलिए आसान होता था कि हमारे पास नीचे नंबर्स दिए हुए होते थे जस्ट हम एलसीएम के मेथड से उसका एलसीएम निकाल लेते थे लेकिन इन क्वेश्चंस में एलसीएम किस तरह से लिखना है लेना है ये थ्री एक्स माइनस टू है और यहाँ पर इन दोनों में से पहले तो हम देख रहे हैं कि थ्री जो है एक्स माइनस सिक्स तो यहाँ पर हम पहले तो थ्री कॉमन ले, ले लेते हैं इसको लेकर चलते हैं एक्स ओवर थ्री थ्री कॉमनली अंदर आ जाएगा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टू माइनस टू एक्स ओवर एक्स माइनस टू अब जो जो भी नीचे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए होते हैं उनको पूरे का पूरा एलसीएम लेना होता है और जो चीज़ दो बार आ रही है उसको एक बार लेना है तो ये हो जाएगा थ्री इंटू एक्स माइनस टू और यहाँ पर सिर्फ एक्स माइनस टू है जो कि दो बार रिपीट हो रहा है तो हमारा एलसीएम होगा थ्री इंटू एक्स माइनस टू जो चीज़ दो बार है उसको हम एक बार लेंगे और सारे एक्सप्रेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू एक्स माइनस टू हमारा एल्सियम है जो कि पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा ये रेशनल फ्रैक्शन है सारे का सारा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स माइनस टू इंटू ये वाला टू माइनस दोबारा से एल्सियम थ्री इंटू एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई होगा टू एक्स ओवर एक्स माइनस टू के साथ अब हमारे पास जो जो चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो सकती होती हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं हमारे पास यहाँ पर सारे में सिर्फ और सिर्फ एक्स बचा इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये यह टू भी है हमारे पास ये थ्री और टू आपस में मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा सिक्स इंटू एक्स माइनस टू माइनस थ्री टू जार सिक्स एक्स बचा इसको भी अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हो जाएगा एक्स और ये सिक्स एक्स दूसरी तरफ आकर प्लस सिक्स एक्स हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस ये yes, यहां पर हमारे पास हो जाएगा सिक्स एक्स और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे हो जाएगा सेवन एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व यहां सेवन एक्स ये सिक्स एक्स भी दूसरी तरफ आकर माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा माइनस ट्वेल्व सेवन एक्स में से सिक्स एक्स माइनस होंगे तो सिर्फ एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स इज इक्व टू माइनस ट्वेल्व सो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आया है वो है ओनली माइनस ट्वेल्व यही हमारा आंसर है ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स पार्ट सिक्स पार्ट हमने डन कर चुके हुए हैं जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट आया है माइनस ट्वेल्व अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं दोबारा से एलसीएम वाला ही है तो जरा जरा पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे हमारे यहाँ पर तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि गिवन है सेवेंथ टू एक्स ओवर टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू ओवर थ्री माइनस फाइव ओवर फोर एक्स प्लस टेन अब यहाँ पर भी हमने जो है एलसीएम लेना है लेकिन पहले से हम देख लेते हैं अगर कोई चीज कॉमन आती हो सबसे पहले हमने ये देखना होता है जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स है उनमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसको ले लेते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था सेवन सिक्स पार्ट में टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू ओवर थ्री माइनस फाइव ओवर टू कॉमन आ जाएगा अंदर आ जाएगा टू 2 फोर एक्स प्लस ये टू जो है जो भी चीज कॉमन होती है वो अंदर दोनों एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड हो रही थी, होती है तो ये टू फाइव जार टेन हो जाएगा अब हमारे पास ये चीजें बची हैं, हो रहा है एल्सियम में एक बार आएगा उसके अलावा ये टू और ये थ्री मिलकर टू थ्री जार सिक्स एल्सियम बनाएंगे सो तो हमारा जो एल्सियम है वो है सिक्स एक्स सिक्स इंटू टू एक्स प्लस फाइव इंटू टू एक्स ओवर टू एक्स प्लस फाइव इज इक्व टू सिक्स इंटू टू एक्स प्लस फाइव इंटू टू ओवर थ्री माइनस दोबारा से हम यही एलसीएम जो हमारा सिक्स इंटू टू एक्स प्लस फाइव चल रहा है इस सारे एक्सप्रेशन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि हो जाएगा सिक्स इंटू टू एक्स प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव ओवर ये सारी चीज आ जाएगी टू इंटू टू एक्स प्लस फाइव अब हम देखते हैं ये टू एक्स प्लस फाइव टू एक्स प्लस फाइव से कैंसिल आउट हो जाएगा टू थ्री जार सिक्स हो जाएगा ये थ्री सिक्स से कैंसिल आउट होकर थ्री टू जार सिक्स हो जाएगा टू एक्स प्लस फाइव टू एक्स प्लस फाइव से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास बचा सिक्स टू जार ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू 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 जार फोर इंटू टू एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री फाइव फिफ्टीन और ये हमारा सारा कुछ कैंसिल आउट हो चुका है अब हम इस फोर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू फोर टूर एट एक्स प्लस फोर फाइव जार ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन यहाँ तक हमारा हो गया अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं एक्स वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं ट्वेल्व ये एट यहां पर आकर माइनस हो जाएगा राइट से लेफ्ट साइड पर और ये ट्वेंटी में से फिफ्टीन माइनस होगा तो वहाँ पास आ जाएगा ओनली फाइव ट्वेल्व एक्स में से एट एक्स जब माइनस होगा ये हो जाएगा फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव हमें ओनली एक्स की वैल्यू चाहिए सोल्यूशन सेट का यह सॉल्व करने का मतलब यही होता है हमने एक्स की वैल्यू निकालनी होती है ये फोर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा सो so, हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है वो होगा फाइव ओवर फोर इस तरह से हमने जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनका एल्शियम हम इस तरह से लेते हैं मतलब ये होता है कि जितना भी हमारे पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस सारे को हमने डिवाइड कर देना होता है पूरे जो एक्सप्रेशन होता है एल्सियम लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है तो अब हम इसका सेवन्थ पार्ट हमने की, आ, किया एट्थ पार्ट भी इसी तरह से है जो कि मैं नहीं कर रही क्योंकि सेम पैटर्न पर है अब हम करते हैं इसका नाइन्थ पार्ट नाइन्थ पार्ट हमें गिवन है टू ओवर एक्स स्क् माइनस वन माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस वन तो हम यहां पर देख रहे हैं एक्स स्क्र माइनस वन हम पीछे पूरी बुक में तकरीबन ये चैप्टर जो है ये वाला जो फार्मूला है बहुत ज्यादा यूज हुआ है जो कि आप स्टूडेंट्स को यकीनन अच्छी तरह से याद हो गया होगा ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्र का फार्मूला बन रहा है जो कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा होता है तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं टू ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन अब हम देखेंगे हमारा एलसीएम क्या बनता है जो चीज रिपीट हो रही होती है उसको एक बार लिखते हैं मतलब एक्सप्ल वन आ तो तीन बार रहा है लेकिन एलसीएम में एक्स प्लस वन ऑनली वन टाइम यूज होगा एंड एक्स माइनस वन दो एलसीएम हमारे बन रहे हैं जो कि क्या है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन जो कि इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन से और इस एक्सप्रेशन से सेपरेटली मल्टीप्लाई होंगे अब हम क्या करते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन जो कि एलसीएम है मल्टीप्लाई होगा टू ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस अब इस एक्सप्रेशन से यही चीज़ मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इंटू वन ओवर एक्स प्लस वन इसी तरह से इससे ये मल्टीप्लाई होगा जो कि हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वन ओवर एक्स प्लस वन ये x प्लस वन एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा ये x प्लस वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से ये दोनों चीजें इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास बचा ओनली टू माइनस यहां से बचा एक्स माइनस वन और यहां पर बचा ओनली एक्स माइनस वन अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं ये हो जाएगा टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन इजिकल टू एक्स माइनस वन अब हम ये टू और वन हो जाएगा थ्री माइनस एक्स ये एक्स भी दूसरी तरफ आकर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ये हो जाएगा एक्स और एक्स माइनस टू एक्स ये थ्री मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं इसको दूसरी तरफ ले जाने वाली हूँ यहाँ प्लस हो रहा था दूसरी तरफ आकर ये माइनस हो जाएगा माइनस टू एक्स इज इक्वस टू माइनस फोर ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा अगर दोनों तरफ माइनस हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते होते हैं और हमारे पास बचा फोर ओवर ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा एक्स इज इक्व टू टू सो हमारा जो सोल्यूशन सेट बना है वो है टू ये हमने किया है यहां पर इसका नाइन्थ पार्ट जो कि बहुत ही ईजी था लेकिन थोड़ा डिफरेंट था वो इस वजह से कि हमने यहां पर फॉर्मूला ओपन करना था अब हम इसका करते हैं टेंथ पार्ट टेंथ पार्ट हमें गिवन है टू ओवर थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स माइनस वन ओवर टू एक्स प्लस फोर तो हम देख रहे हैं यहाँ से थ्री और यहाँ से टू कॉमन लिया जा सकता है तो हम करते हैं टू ओवर थ्री कॉमन लिया अंदर रह जाएगा एक्स प्लस थ्री टू जार सिक्स इज़ इजिकल्स टू वन ओवर सिक्स इसी तरह से माइनस वन ओवर टू कॉमन लेंगे अंदर रह जाएगा एक्स प्लस टू टू जार फोर अब हम देख रहे हैं एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू रिपीट हो रहा है एक बार आएगा एलसीएम में थ्री सिक्स और टू का एलसीएम आएगा सिक्स मीन हमने सिक्स इंटू एक्स प्लस टू एल्सियम है जो कि हमारा इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री सिक्स और टू का हमने सेपरेटली जो है इस मेथड से एलसीएम लेना है जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको पिछली एक्सरसाइजेस में तो मैं यहाँ पर आपको बता भी दोबारा से रिपीट करने के लिए देती हूँ थ्री सिक्स और टू का हमने इस तरह से एलसीएम लेना है ठीक है अब हम यहाँ पे सिक्स एल्सियम होगा सिक्स इंटू एक्स प्लस टू इन इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा किस तरह से सिक्स इंटू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस टू सिक्स इंटू एक्स प्लस टू एल्सियम है जो कि मल्टीप्लाई होगा इस वन बाय सिक्स से माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस टू एल्सियम है जो कि मल्टीप्लाई होगा ये लास्ट एक्सप्रेशन से जो के है वन ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू ठीक है ये हो गया टू थ्री जर सिक्स, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से सिर्फ सिक्स कैंसिल आउट होगा थ्री टू जर सिक्स होगा और पूरे का पूरा एक्स प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास यहां पर बचा ये टू 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 जर फोर इज इक्वल टू यहां बचा सिर्फ एक्स प्लस टू माइनस यहां बचा ओनली थ्री ये चीज अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं ये हमारे पास है फोर इज इक्वल टू एक्स टू से थ्री माइनस होगा तो माइनस वन आ जाएगा हम यहां पे ये करते हैं एक्स माइनस वन को इस तरफ ले जाते हैं और फोर को दूसरी तरफ ले जाते हैं जिससे कोई साइन चेंज नहीं होगा जब पूरे का पूरा शफल होता है एक्सप्रेशन राइट right को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट right पर लेकर जाते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता एक्स इज इक्स टू फोर ये माइनस वन इधर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर प्लस वन हो जाएगा एक्स इज टू फाइव हमारा सोलूशन सेट आया है फाइव आंसर यहाँ पर ये यह हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कम, हो चुका है हमने इस पार्ट में एलसीएम लेने का तरीका देखा है कि किस तरह से एलसीएम को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है अगर तो आम नॉर्मल नंबर होता है तब तो एलसीएम लेना आसान होता है हम उसको इस एलसीएम के मेथड से जो कि हमने इस क्वेश्चन में भी किया था इस मेथड से हम एलसीएम ले लेते हैं लेकिन अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो और तो फिर इसमें ये करना होता है सबसे पहले देखना होता है कोई चीज कॉमन है तो अगर कोई चीज कॉमन आने के बाद जैसे ये एक्सप्रेशन बनता है फिर जो चीज रिपीट हो रही होती है उसको एक बार लिखते हैं और फिर हमने पूरे जो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन सेट निकालना होता है अब हम इसका क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक हमने यहाँ पे इनको चेक भी करना है जो भी आंसर आएगा उसको हमने चेक भी करना है कि क्या हमारा सोल्यूशन सेट सही भी है या नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू का हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो के है स्क्वायर रूट 3x plus 4 is equal to 2 तो जब भी हम सोलूशन सेट निकालने लगते हैं तो हमारे पास जो चीजें होती हैं अगर स्केयर रूट है या क्यूब रूट है तो हमने सबसे पहले उसको खत्म करना होता है तो यहां पर स्केयर रूट है तो स्केयर रूट खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पर स्केयर लेंगे ऐसा नहीं होता कि हमने क्यूब रूट या स्केयर रूट खत्म करना है तो जिस तरफ स्केयर रूट है बस वहां पर स्केयर ले लेंगे मैथेमेटिक मैथमेटिक्स का ये रूल होता है जो भी चीज हम खुद से लेते हैं उसको इक्वेशन पूरे एक्सप्रेशन में लेना होता है मतलब अगर हम लेफ्ट साइड पर ले रहे हैं राइट साइड right पर भी लेंगे तो हम लिखेंगे यहां टेकिंग स्क्र्स ऑन बोथ साइड्स, स्क्स ऑन बोथ मतलब बोथ साइड्स पे तो अब हमने यहां पे अंडर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इसका स्क्यर लिया इज इक्वल टू है टू का भी हमें स्क्यर लेना पड़ेगा यहां का स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 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 जार फोर अब हम यहाँ पर एक्स तो 4 4 की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक्स को यहीं रहने देंगे इजिक्वल टू जीरो कोई भी चीज जो होती है वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो रह जाती है मतलब एक्स इज इक्वल टू वहाँ पर जीरो आ गया अभी हम सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे बल्कि इसको अब हम चेक करेंगे जो कि हमें उन्हें उन्होंने क्वेश्चन में मांगा हुआ भी है तो हम यहाँ पर चेक करते हैं आंसर के क्या हमने जो सॉल्यूशन सेट निकाला है वो सही भी आया है या नहीं तो चेक करने का तरीका ये होता है हम दोबारा से क्वेश्चन लिखते हैं थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टू उसके बाद हमारा जो एक्स की वैल्यू आई है वो हमने पुट करनी है जो कि है जीरो हमारा यहाँ पर राइट साइड का आंसर लेफ्ट साइड के बिल्कुल इक्वल आना चाहिए मतलब दोनों साइड्स की अगर इक्वल आ जाती हैं तो इट्स मीन कि हमारा जो सोलूशन सेट आया है वो सही है थ्री इंटू एक्स की जगह हम जीरो पुट करेंगे प्लस फोर ये हो जाएगा थ्री जीरो जीरो और जीरो प्लस फोर हमारे पास क्या बचेगा फोर और हम जानते हैं कि फोर का स्क्वायर रूट टू होता है टू इज इक्वल टू टू सो हमारी जो लेफ्ट साइड थी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है तो हमने लिखना है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है इज इक्वल इसको इक्वल टू टू लेकर चलते रहते हैं तो ये सोल्यूशन सेट जो हमारा आया है वो हमने ये लिखना होता है कि हमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट की थी तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है सो हमारा सोल्यूशन सेट अगर ये लेफ्ट और राइट right इक्वल नहीं आती तो हमने सोल्यूशन सेट एमपटी सेट लिखना होता है सो हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा जीरो आंसर ये हमने क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट किया है अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट सेकेंड पार्ट हमें गिवन है वो क्यूब रूट के साथ है टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अब हमने क्या करना है यहाँ पे पहले तो माइनस टू को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो प्लस टू जो कि हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू अब हमने यहां पर इसका क्यूब रूट खत्म करना है तो इसका क्यूब रूट खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा थ्री इंटू टू एक्स माइनस फोर जब हम इसका भी क्यूब लेंगे अच्छा ये जो है एक स्टेप मैं यहाँ पे छोड़ गई हूँ इसका क्यूब रूट लिखने की बजाय हम टू एक्स माइनस फोर के क्यूब रूट लिखने की बजाय वन बाय थ्री लिख सकते हैं वन ओवर थ्री और हमने इस तरफ भी क्यूब लेना है और टू का भी क्यूब लेंगे ये थ्री थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ टू एक्स माइनस फोर और टू के क्यूब का मतलब ये है कि टू को हमने थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है थ्री टाइम्स किस तरह से टू क्रॉस टू क्रॉस टू 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 जार फोर फोर टू जार एट अब हम इसका सोलूशन सेट निकालते हैं एट प्लस फोर ये फोर दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा ट्वेल्व टू एक्स हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो अब हम क्या करेंगे एक्स इज इक्व टू ट्वेल्व ओवर टू टू सिक्स ट्वेल्व एक्स इज इक्व टू सिक्स आया है अब हम इस आंसर को चेक करते हैं आंसर को चेक करने के लिए हम दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन हमारा था क्यूब रूट ऑफ टू एक्स एक्स की बजाय हम सिक्स पुट करते हैं माइनस फोर माइनस टू और ये आना चाहिए जीरो तो ये हो जाएगा टू सिक्स आर ट्वेल्व माइनस फोर वन बाय थ्री माइनस टू ट्वेल्व माइनस फोर जो है वो हो जाएगा हमारा एट एट आ गया है हमारा तो अब हम क्या करेंगे एट की पावर वन बाय थ्री है माइनस टू और ये सारा कुछ जीरो के इक्वल भी आना चाहिए एट जो है वो टू का क्यूब है तो हम यहाँ पे टू क्यूब ऑफ वन बाय थ्री लिख सकते हैं माइनस टू थ्री थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास बचेगा सिर्फ टू टू माइनस टू जो है वो जीरो के इक्वल होता है हम यहाँ पर लिखते हैं जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया तो हमारा अगर आंसर जो है चेक करने के बाद लेफ्ट साइड और राइट right साइड जो है वो आपस में बराबर आ जाए तो हम यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो हमारा जो सोल्यूशन सेट बना है वो होगा ये x इज इक्वल टू सिक्स और इसको लिखना कैसे होता है इस तरह से ये हमने इसका सेकेंड पार्ट भी चेक कर लिया अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट इसका वन uh, टू हो चुका है थ्री और फोर बिल्कुल बहुत ही ईजी है अब हम इसका स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस टू सोलूशन सेट हम इसका स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास दोनों तरफ वन बाई थ्री है पावर में तो उसको हम पहले लिख लेते हैं ओपन करके इस तरह से अब हमने दोनों तरफ लेंगे क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स ये हो जाएगा हमारा 2x एक्स प्लस थ्री वन बाय थ्री इसकी पावर है और उसकी भी हम पावर ले लेंगे 3 जो कि क्यूब होता है इसी तरह से x माइनस टू की पावर है 1 बाय थ्री और उसकी भी पावर हम ले लेंगे 3 3 3 से और ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास बचेगा 2x एक्स प्लस थ्री टू अब हम इसका इसको सॉल्व करते हैं एक्स वाले वेरिएबल्स हम इकट्ठे कर लेते हैं कॉन्स्टेंट हम राइट साइड पर कर लेते हैं टू एक्स में से एक्स माइनस हो जाएगा तो एक्स रह जाएगा और ये हो जाएगा माइनस फाइव अब हम आंसर को चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया है तो हम यहां पर लिखते हैं चेक हम ये जो एक्स इज इक्व टू माइनस फाइव है हम दोबारा से क्वेश्चन लिखते हैं जो कि है टू एक्स की बजाय हम पुट करेंगे माइनस फाइव प्लस थ्री इक्वल टू थ्री क्यूब रूट ऑफ एक्स एक्स की बजाय हम पुट करेंगे माइनस फाइव माइनस टू और ये हो जाएगा टू माइनस टू फाइव आर टेन हो जाएगा माइनस टेन प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव और माइनस टू माइनस सेवन क्यूब रूट ऑफ माइनस सेवन आया है यहाँ पर भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ माइनस सेवन आ जाएगा तो दोनों तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है इट्स मीन के हमारा सोलूशन सेट सही था एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव ही था तो हमने इसको आंसर में इस तरह से लिख लेना बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये हमने इसका किया है फिफ्थ पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट सिक्स पार्ट हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ़ टू टू माइनस माइनस एट टी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ टू टी माइनस ट्वेंटी एट अब हम इसको सॉल्व करते हैं टू माइनस टी वन बाय थ्री हो जाएगी इसकी पावर और यहां पर यह हो जाएगा टू टी माइनस ट्वेंटी एट वन बाय थ्री टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड यह हो जाएगा टू माइनस टी वन बाय थ्री तो इसकी पावर है ही जब हम इसका क्यूब लेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा इज इक्व टू टू टी माइनस ट्वेंटी एट वन बाय थ्री तो इसकी पावर है ही जब इसका हम क्यूब लेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा अब हम क्या करेंगे थ्री को थ्री से कैंसिल आउट कर देंगे ये थ्री थ्री से कैंसिल आउट हो गया हमारे पास बचा टू माइनस टी लेफ्ट साइड पर और राइट right साइड पर हमारे पास बच गया टू टी माइनस ट्वेंटी एट इसको हम लिख लेते हैं ये अब हमने क्या करना है टी की टर्म्स को एक साइड पर कर लेंगे ये है माइनस टी ये टू जो है दूसरी तरफ आकर माइनस टू टी हो जाएगा यहां पर हमारे पास माइनस ट्वेंटी एट तो है ही ये जो कांस्टेंट है टू ये भी दूसरी तरफ जाकर माइनस टू हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस थर्टी माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी एट और टू हो जाएगा थर्टी माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस बड़े का साइन लगेगा टू और वन हो जाएगा थ्री टी अब हमने यहाँ पे क्या करना है माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा t इज इक्व टू थर्टी ओवर थ्री यहाँ से इस थ्री को हम दूसरी तरफ से जाकर डिवाइड कर देंगे अब ये हो जाएगा हमारा थ्री टेन जार थर्टी टी इज इक्व टू टेन हाँ पर टी इज इक्व टू टेन आया है अब हम आंसर को चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है थ्री टू माइनस टी टी की बजाय हम पुट करेंगे टेन इज इक्व टू क्यूब रूट ऑफ टू टी की बजाय हम पुट करेंगे टेन माइनस ट्वेंटी एट ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ माइनस एट और यहां पर क्यूब रूट ऑफ टेन टू जै ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी एट इसको हम सॉल्व करेंगे ये अब मजीद सॉल्व नहीं हो सकता तो अब हम देखते हैं यहां पर ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ माइनस एट टू क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी में से एट माइनस होंगे तो वो भी हो जाएगा माइनस एट सो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के सो so, हमारा सोलूशन सेट t इज इक्वल टू टेन हुआ मीन हमने टेन वैल्यू पुट की हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है सो so हमारा जो सोल्यूशन सेट है टी इज इक्वल टू टेन हो गया यहां पर हमने ये किया है इसका सिक्स पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेवंथ पार्ट सेवेंथ पार्ट हमें गिवन है सेवंथ पार्ट सेवेंथ पार्ट हम लिखते हैं यहां पे क्या है स्क्वेयर रूट ऑफ टू टी प्लस सिक्स माइनस टू टी माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो अब हमने क्या करना है ये माइनस हो रहा है यहाँ पे इसको हम राइट साइड पर ले जाते हैं ये इधर ही रहेगा टू टी प्लस सिक्स इज इक्वल टू ये जीरो में प्लस होकर हमारा प्लस टू टी माइनस फाइव ही रह जाएगा अब हम दोनों तरफ स्क्वेयर्स ले लेते हैं स्क्र लेने की वजह क्या है ताकि स्क्वेयर रूट को कैंसिल आउट किया जा सके तो हम यहां लिखते हैं टेकिंग स्क्वेयर्स ऑन बोथ साइड्स हमने दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेना है जो कि हो जाएगा टू टी प्लस सिक्स स्क्वेयर ये स्केर, स्केर रूट से और यहां पर भी स्केर, स्केर रूट से कैंसल आउट हो गया। और हमारे पास बचा टू टी प्लस फाइव यहां पर अब हम क्या करते हैं t वाली टर्म्स को एक साइड पे राइट लेफ्ट साइड पे कर लेंगे और कॉन्स्टेंट को राइट साइड पर कर लेंगे अब ये 2t में से 2t टी जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा माइनस इलेवन अब इसका जो है आगे सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने तो टी की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि यहां पर हम देख रहे हैं कि टी ही हमारा खत्म हो गया अगर हमारा यहाँ पे टी खत्म हो गया है इट्स मीन सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो खत्म हो गया क्योंकि हम ना इसको चेक कर सकते हैं सो so, हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे कैसे इस तरह से आंसर हमारा आएगा एम्प सेट इसका हम आंसर चेक भी कर लेते हैं इसका आंसर आएगा एम्पटी सेट हम्म सेवेंथ पार्ट का आंसर है एम्पटी सेट ये हो चुका हमारा अच्छा जो पिछला क्वेश्चन uh, uh, जो है हमने क्वेश्चन नंबर वन किया था उसका भी जो है क्वेश्चन पार्ट जो एट है उसका भी नो no सोल्यूशन होगा पार्ट एट तो हमने पार्ट एट क्वेश्चन नंबर वन का मेरा ख्याल नहीं किया था वो मैं आपको करके बता दूंगी अभी तो ये इसका जो है नॉट पॉसिबल आया है अब हम इसका एर्थ पार्ट करते हैं एर्थ पार्ट हमें गिवन है हम लिख लेते हैं यहाँ पे एट पार्ट स्क्वेर रूट ऑफ एक्स प्लस वन ओवर टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू अब हमने क्या करना है यहां पर अच्छा इस क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें कुछ साथ में गिवन भी है बाकी क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था जो गिवन है वो ये है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस फाइव ओवर टू मतलब जो एक्स का जो आंसर है वो माइनस फाइव ओवर टू नहीं आ सकता और कुछ भी आ सकता है क्योंकि माइनस फाइव ओवर टू अगर हम पुट करते हैं तो उसका सोलूशन इम्पॉसिबल हो जाएगा तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड टेकिंग स्केयर और दूसरी तरफ भी स्क्यर आ जाएगा स्क्यर स्क्वेयर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचा एक्स प्लस वन ओवर टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 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 जार फोर अब हमने इसका सोलूशन सेट किसी भी तरह से निकालना है इसके नीचे आ जाएगा one, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन एक्स प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर टू जार एट एक्स प्लस फोर फाइव जार ट्वेंटी यहां तक हमने कर लिया अब हमने वेरिएबल्स uh, को एक साइड पर कर लेते हैं जो कि हो जाएगा एक्स माइनस एट एक्स इक्वल टू ट्वेंटी माइनस वन ये वन दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा एक्स में से जब हमने माइनस करना है यहाँ पे माइनस एट एक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस सेवन एक्स इज टू नाइनटीन यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज टू ओवर ये माइनस भी दूसरी तरफ आ जाएगा मतलब x इज इक्वल टू माइनस नाइनटीन ओवर सेवन अब हम चेक करने के लिए पुट करते हैं यहां हम लिखते हैं चेक चेक करते हैं हम क्वेश्चन दोबारा से लिखते हैं x प्लस वन ओवर टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू आना चाहिए तो अब हम देख लेते हैं इसको पुट करके ये हो जाएगा माइनस नाइनटीन ओवर सेवन प्लस वन ओवर टू इंटू माइनस नाइनटीन ओवर सेवन प्लस वन इज इक्वल टू 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 आना चाहिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इसको लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन को तो ये हो जाएगा हमारा किस तरह से ये हो जाएगा हमने यहाँ पे इसके नीचे सेवन है यहाँ वन है सेवन और वन कैल्सियम सेवन होगा और उस एल्शियम को हमने दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो वो हो जाएगा सेवन माइनस नाइनटीन क्रॉस वन प्लस वन क्रॉस सेवन ये हो जाएगा ये सब कुछ स्क्वेयर रूट में चल रहा है ओवर नाइनटीन टू जार हो जाएगा थर्टी एट और सेवन नीचे सेवन है सेवन एलसीएम लेकर हम सॉल्व भी करना शुरू कर देते हैं माइनस थर्टी एट प्लस यहां इसके नीचे कुछ नहीं था इट्स मीन वन सेवन मल्टीप्लाई हो जाएगा अब जो दूसरे नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो चौथे नंबर के डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाता है सो सेवन सेवन से कैंसल वन वाला जो है वो थ्री से कैंसल आउट होता है जो सेकेंड वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाता है अब हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, क्या कुछ माइनस नाइनटीन वन हजार नाइनटीन प्लस सेवन ओवर माइनस थर्टी एट प्लस सेवन ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व ओवर एट में से सेवन जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस थर्टी वन तो ये इसके इक्वल नहीं आया सो so, हमारा जो है इसका सोल्यूशन सेट भी इसका हम चेक कर लेते हैं आंसर नहीं माइनस नाइनटीन बाई सेवन आएगा इट्स मीन हमने क्वेश्चन में कहीं गलती की है कुछ छोड़ा है हमने तो हम चेक कर लेते हैं इसमें हमने क्या छोड़ा है कहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को हम दोबारा से चेक कर लेते हैं यहां पर चेक करने के लिए मैं दोबारा से क्वेश्चन लिखती हूं ये हो जाएगा x प्लस वन एक्स प्लस वन की बजाय हम यहां पर पुट करेंगे माइनस नाइनटीन ओवर सेवन प्लस वन ओवर माइनस टू इंटू माइनस नाइनटीन ओवर सेवन प्लस फाइव ठीक यहाँ पे जो मुझे गलती थी ना वो मुझे अपनी नजर आ गई है पुराने वाले में ही यहाँ पे हमने जो है फाइव पुट करना था तो ये यह यहाँ पर हो जाएगा फाइव सेवनजार थर्टी फाइव ये हो जाएगा यही छोटी सी एक मिस्टेक थी फाइव सेवन जार थर्टी फाइव तो यहां पर थर्टी एट में से जब ये फाइव माइनस होंगे तो सिर्फ थ्री बचेगा और ये थ्री जो है थ्री फोर जार ट्वेल्व हो जाएगा इसको अब हम छोड़ देते हैं स्क्र रूट फोर इज इक्वस टू टू हो जाएगा तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है ये स्कूट फोर है तो फोर का स्क्वेयर रूट जो होता है वो टू होता है टू इज इक्व टू टू सो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है तो अब हमने यहां पर क्या करना है कि हमने इसका सोलूशन सेट लिखते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्व टू क्या होगा हमारा आया था माइनस नाइनटीन ओवर सेवन ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट भी कर लिया अब मैं आपको एक पार्ट यहां पर रह गया है जो कि करके बताती हूं क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट एट क्वेश्चन नंबर वन उसका मैंने आंसर पीछे चेक किया था वो नॉट पॉसिबल था तो मैं वो आपको बताती हूं कि वो क्यों नॉट पॉसिबल है पार्ट एट टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू फाइव ओवर सिक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन अब हमने क्या करना है थ्री सिक्स एक्स माइनस वन कैल्सियम होगा सिक्स इंटू एक्स माइनस वन जो कि सबसे मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होगा टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन से प्लस इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई होगा वन बाई थ्री से सिक्स इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई होगा फाइव ओवर सिक्स से प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई होगा टू ओवर एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन इस एक्स माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा सिक्स सिक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा थ्री टू जार सिक्स हो जाएगा और एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास क्या कुछ बचा सिक्स टू हजार ट्वेल्व एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन फाइव इंटू एक्स माइनस वन प्लस सिक्स टू जार ट्वेल्व अब हम जो चीजें अंदर मल्टीप्लाई हो सकती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू इजिकल टू फाइव एक्स माइनस फाइव ये फाइव इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ट्वेल्व ट्वेल्व एक्स माइनस टू एक्स टेन एक्स ये 5x भी दूसरी तरफ आकर माइनस फाइव एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस फाइव और प्लस ट्वेल्व सेवन ये टू दूसरी तरफ जाकर माइनस प्लस टू हो जाएगा टेन एक्स माइनस फाइव एक्स फाइव एक्स के इक्वल होगा टेन और टू हो जाएगा सेवन और टू हो जाएगा आप नाइन एक्स इज इक्व टू नाइन ओवर फाइव इसको यहाँ पे जो नाइन ओवर फाइव हमारे पास आया है अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया ट्वेल्व एक्स और टू एक्स फोर्टीन एक्स माइनस फाइव जो कि इक्वल होगा नाइन एक्स नाइन एक्स ओवर नाइन एक्स इज इक्वल टू नाइन ओवर नाइन जो है वो वन के इक्वल आएगा नाइन ओवर नाइन वन के इक्वल आ जाएगा x इज इक्वल टू वन आया है अब हम देखते हैं बुक की तरफ बुक में हमें गिवन है यहाँ काफी सारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू मतलब x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू नहीं आना चाहिए और अगर आ जाता है तो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल लिखना है यहाँ पर भी प्लस माइनस वन नहीं आना चाहिए अगर आ जाता है तो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होगा इसी तरह से ये क्वेश्चन है बाकी सब में तो नहीं आएगा मतलब ये चीजें नहीं आएंगी लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर एट है क्वेश्चन नंबर का एटथ पार्ट है इसमें एक्सिक्वस टू वन नहीं आना चाहिए लेकिन हमारा एक्सिक्वस टू वन आ गया है सो so, अगर हमारा एक्सिक्वस टू वन आ गया है तो हमने लिखना है नो no सोल्यूशन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है इसमें हमने क्या लिखना है कि इसके इस पार्ट का नो no सोल्यूशन अगर हमारा वो चीज आ जाती है जो कि उन्होंने कहा है कि नहीं आनी चाहिए तो आंसर में हमने लिखना होगा नो no सोल्यूशन यहां पर हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर है एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट वन कम्पलीट हो गई है क्वेश्चन नंबर वन का एथ पार्ट मैंने छोड़ा था लेकिन आपके लिए ताकि आप खुद करें लेकिन जब मैंने उसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल पीछे आंसर्स में चेक किया मैंने आपके लिए उसको दोबारा किया कि वो सोल्यूशन उसका जो है नो no सोल्यूशन उसका आंसर किस वजह से आता है